Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Classes. Friends, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड, क्योंकि हम बहुत ही जल्द एक कॉन्टेस्ट शुरू करने वाले हैं जिसमें वीडियो के अंत में एक सवाल पूछा जाएगा. हर दिन हर वीडियो के अंत में लास्ट में एक सवाल पूछा जाएगा और एक महीने के अंदर जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स में से सबसे ज़्यादा सही जवाब देंगे और सबसे ज़्यादा हमारे वीडियो शेयर किए होंगे उनको मिलेगा पुरस्कार. और वो पुरस्कार कितने का होगा वो हम अभी नहीं बताएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जितना भी आपको अभी तक हमने बेसिक में पढ़ाया है वो सब एक एक करके बताएंगे, सबका वर्णन करेंगे, सबको डिस्क्राइब करेंगे एक एक करके. ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ही वीडियो में 15 मिनट में या 20 मिनट में जितना भी हो, जितने देर का वीडियो बने, आप एक ही वीडियो में पूरा बेसिक को समझ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो एक बार फिर से. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं. आपको याद होगा सबसे पहले हमारा था इज आर एम, इज आर एम. तो इसमें कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है. जैसे उसका घर छोटा है तो हिज हाउस इज स्मॉल. इसका नेगेटिव बनाएंगे, हिज हाउस इज नॉट स्मॉल. इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इज हिज हाउस स्मॉल. क्वेश्चन वर्ड में हम कुछ भी क्वेश्चन वर्ड ले लेंगे कि उसका घर छोटा क्यों है, तो व्हाई इज हिज हाउस स्मॉल. ठीक है फ्रेंड, ये था इज आर एम हमारा. ठीक है, अभी हम वाज वर्ब का करेंगे. वाज वर्ब, वह मेरा दोस्त था. ही वॉज माई फ्रेंड. इसका हम नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट माई फ्रेंड. इंट्रोगेटिव, तो वॉज ही माई फ्रेंड, क्या वह मेरा दोस्त था. क्वेश्चन वर्ड, हम कोई भी एक क्वेश्चन वर्ड अपनी तरफ से ले लेंगे कि वह कब मेरा दोस्त था, तो व्हेन इज, सॉरी, व्हेन वाज ही माय फ्रेंड. ठीक है फ्रेंड, ये है वाज वर्ब. आप एक एक करके मैं फटाफट करते जा रहा हूँ, आप रिवाइज करना है, सिर्फ रिवीजन करना है इसका. अभी फ्यूचर, शैल बी विल बी, वह एक डॉक्टर बनेगा, तो ही विल बी अ डॉक्टर. ही विल नॉट बी अ डॉक्टर. इंट्रोगेटिव, विल ही बी अ डॉक्टर. क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कोई भी एक क्वेश्चन वर्ड लेंगे, वो कब डॉक्टर बनेगा, तो व्हेन विल ही बी अ डॉक्टर. ठीक है फ्रेंड, तो फ्यूचर में हम शैल बी विल बी का इस तरह से हम बनाते हैं. आप सिर्फ फॉर्मेशन देखते जाओ और एक बार रिवीजन, बस रिवीजन के लिए मैं ये करवा रहा हूँ आपको, ताकि बेसिक में आप जो भी भूल गए होंगे उसका रिवीजन फिर से हो जाए. तो उसके बाद क्या था, प्रीपोजिशन था. तो प्रीपोजिशन में दो तरह के सेंटेंसेस थे, एक बिना इंट्रोडक्टरी देर का और इंट्रोडक्टरी देर वाला. तो जैसे किताबें, टेबल पर थी, तो द बुक्स वर ऑन द टेबल.
अगर हम इसको इंट्रोडक्टिव देर में लिखेंगे तो टेबल पर किताबें थी, तो देयर वर बुक्स ऑन द टेबल। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आप नए होंगे तो आप ये मत सोचना कि इतना जल्दी जल्दी बता रहा है इससे कोई इंग्लिश सीखता है क्या। नहीं, मैं सिर्फ उनके लिए ये बता रहा हूँ जिन्होंने मेरा पूरा क्लास अटेंड किया हुआ है, रोज का वीडियो देखा है, जिन्होंने बेसिक पूरा बेसिक पढ़ लिया है, सीख लिया है, उनके लिए सिर्फ रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। और आप भी अगर थोड़ा सा इंटेलिजेंसी होगी तो आप भी समझते जाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छी तरह से बताते ही जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद था इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ बताने वाली बात नहीं है, उसमें आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको हम छोड़ते हैं और नीड लेते हैं। नीड में पहला उसे बुक की जरूरत है या उसे बुक चाहिए, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो ही नीड्स बुक। नेगेटिव, ही नीड्स नॉट बुक। इंट्रोगेटिव, नीड्स ही बुक। क्वेश्चन वर्ड, उसे बुक की जरूरत कब है, तो व्हेन नीड्स ही बुक। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया नेगेटिव का प्रेजेंट। ठीक है, अभी हम इसको नेगेटिव में पास्ट का करेंगे। तो पास्ट में सिर्फ ये चेंजिंग क्या होगा, इतना देख लो आप, थी हो जाएगा। तो यहां पर क्या चेंज हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूं, ही नीडेड हो जाएगा, बस उसे बुक की जरूरत थी, ही नीडेड बुक। उसे बुक की जरूरत नहीं थी, ही नीडेड नॉट बुक। क्या उसे बुक की जरूरत थी, नीडेड ही बुक। उसे बुक की जरूरत कब थी, वे नीडेड ही बुक। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका हम फ्यूचर लेते हैं। फ्यूचर, उसे बुक की जरूरत होगी तो ही विल नीड बुक। नेगेटिव, ही विल नॉट नीड बुक। इंट्रोगेटिव, विल ही नीड बुक। क्वेश्चन वर्ड, व्हेन विल ही नीड बुक। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा फ्यूचर। ठीक है फ्रेंड्स, तो नीड का फ्यूचर था, अभी हम शुरू करेंगे। इसके बाद क्या आता है, हैज एन, हैज और हैव मतलब पास, उसके पास दो पेन है। ही हैज टू पेन्स। नेगेटिव, उसके पास दो पेन नहीं है, ही हैज नॉट टू पेन्स। इंट्रोगेटिव, क्या उसके पास दो पेन है, तो हैज ही टू पेन्स। ठीक है फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स हम किसी कोई कुछ भी ले लेते हैं कि किसके पास दो पेन है, तो हु हैज टू पेन्स। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इसका पास्ट लेंगे। पास्ट, तो पास्ट में क्या होगा, देखो बहुत ही सिंपल है, उसके पास दो पेन थी, पास्ट हो गया। अब इसमें चेंजिंग क्या होगा, सिर्फ समझने वाली बात है, यहाँ पर हैज हट जाएगा, यहाँ हैज हट जाएगा, और क्या आ जाएगा इधर, इधर हैड आ जाएगा, ही हैड, हैड, हैड एंड हैड। सिंपल है, सिर्फ समझना है। प्रेजेंट हुआ तो हैज हैव था, और पास्ट हुआ तो हैड, और सिर्फ सबके साथ हैड लगेगा। ठीक है, अभी हम इसका फ्यूचर, फ्यूचर बनाएंगे। फ्यूचर भी बिल्कुल ही सिंपल है, आपको इतना समझना है कि किसी भी सेंटेंस को फ्यूचर बनाते हैं तो उसमें हम शैल बिल लगाते हैं, पेन होगी,
ओके ओके फ्यूचर तो ही विल हैव टू पेन्स. नेगेटिव उसके पास दो पेन नहीं होंगी. ही विल नॉट हैव टू पेन्स. इंट्रोगेटिव क्या उसके पास दो पेन होगी. विल ही हैव टू पेन्स. उसके पास दो पेन कब होगी तो व्हेन विल ही हैव टू पेन्स. सिंपल है. इसमें क्या चेंजिंग आया सिर्फ शैल और विल लग गया इसमें हेल्पिंग वर्क के रूप में. तो किसी भी फ्यूचर किसी भी सेंटेंस को हम फ्यूचर में बनाते हैं तो उसमें हम शैल विल लगाते हैं. ठीक है फ्रेंड तो हो गया हैज़ हैव. अब इसमें हम हैज़ टू हैव टू करेंगे. हैज़ टू एंड हैव टू आपको पता होगा आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा हैज़ टू हैव टू किसके लिए लगाते हैं. मतलब हैज़ टू हैव टू ना है नहीं है नहीं है मतलब खाना है पीना है जाना है सोना है खाना पड़ता है सोना पड़ता है करना पड़ता है ये सब इस तरह का सेंटेंस आएगा हैज़ टू हैव टू. जैसे उसे काम करना है या करना पड़ता है. ठीक है तो ही हैज टू डू वर्क. उसे काम नहीं करना पड़ता है तो इसमें सिंपल है ही हैज. किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के बाद तो ही हैज नॉट टू डू वर्क. या हमने आपको वीडियो में डू डज लगाकर बनाने के लिए बताया था तो ये सिंपल मेथड बता रहा हूँ आपको. तो इंट्रोगेटिव हैज ही टू डू वर्क. अब उसे काम क्यों करना पड़ता है तो व्हाई हैज ही टू डू वर्क. ठीक है सर. अब इसका हम पास्ट देखो आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से. यहां पर उसे काम करना था उसे काम करना पड़ा ये पास्ट हो गया. तो इस पास्ट में हम क्या चेंज करेंगे सिर्फ हैज. ये हैज को चेंज करेंगे. आपको अच्छी तरह से पता होगा कि किसी भी हम हैज हैव वाले सेंटेंस को पास्ट में अगर हम बनाते हैं तो उसमें हम हैड लगाते हैं. सिर्फ हैड लग जाएगा बस. यहाँ पे हैड लग गया यहाँ हैड लग गया. सिंपल है. हैड सिर्फ हैड. ही हैड टू डू वर्क. ही हैड नॉट टू डू वर्क. हैड ही टू डू वर्क. वाई हैड ही टू डू वर्क. ठीक है फ्रेंड्स. अभी हम इसका फ्यूचर लेंगे. फ्यूचर हैज़ टू हैव टू का फ्यूचर लेंगे. सो फ्यूचर में क्या करेंगे उसे काम करना पड़ेगा तो ही विल हैव टू डू वर्क. सिर्फ शैल विल लगाना है बस. उसे काम नहीं करना पड़ेगा तो ही विल नॉट हैव टू डू वर्क. ठीक है फ्रेंड. क्या उसे काम करना पड़ेगा. विल ही हैव टू डू वर्क. उसे काम क्यों करना पड़ेगा तो वाई विल ही हैव टू डू वर्क. ठीक है फ्रेंड्स. तो ये हो गया हमारा फ्यूचर का. फ्रेंड्स मैं आपको फटाफट क्यों बता रहा हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत है बहुत सारे स्टेप्स हैं और बताना आपको एक ही वीडियो में है इसके लिए मैं फटाफट बता रहा हूँ. ठीक है. मैं सिर्फ आपको एक समझने के लिए बता रहा हूँ कि क्या चेंज करने से पास्ट बन जाता है और क्या चेंज करने से फ्यूचर बन जाता है. अभी अबाउट टू गोइंग टू. वह बाइक खरीदने वाला है. तो आपको पता ही होगा ने वाला है नहीं वाला ये रहेगा तो अबाउट टू गोइंग टू से बनाते हैं. तो ही इज अबाउट टू बाय बाइक. यहाँ पर हम गोइंग टू भी लिख सकते हैं. ही इज गोइंग टू बाय बाइक. ठीक है. अभी हम इसका नेगेटिव ही इज नॉट अबाउट टू बाय बाइक.
Interrogative, is he about to buy bike? अब question words, वो कब खरीदने वाला है? तो when is he about to buy bike? ठीक है friends, अब इसका हम past लेंगे, तो वो खरीदने वाला था, वो bike खरीदने वाला था, मतलब इज हटाकर क्या लगाएंगे? जो भी सेंटेंस इज आरम से बनता है उसका हम वॉज करते हैं, वॉज, ही वॉज, वॉज ही, ये वॉज, वॉज लगाते हैं, बस हो गया. ही वॉज अबाउट टू बाई बाइक, ही वॉज नॉट अबाउट टू बाई बाइक, वॉज ही अबाउट टू बाई बाइक, वेन वॉज ही अबाउट टू बाई बाइक, सिंपल है. ठीक है फ्रेंड, उसके बाद कैन का, कैन, वह अंग्रेजी बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश. अब इसका नेगेटिव क्या होगा? सिंपल, he can't भी हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे या he can not भी लिख सकते हैं, he can not speak English. दूसरा इंट्रोगेटिव, क्या वो अंग्रेजी बोल सकता है? तो can he speak English. ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन वर्ड, वो अंग्रेजी कैसे बोल सकता है? तो how can he speak English. ठीक है फ्रेंड, ये हो गया कैन का. ठीक है, अब यहां पर हम पास्ट लेते हैं, कुड, कुड बोल सका. तो यहां पर क्या चेंज होगा बोल सका? तो आपको पता होगा कैन की जगह कुड आ जाएगा, सिंपल है. तो ही could, he could not, could he, या could, सिंपल है. क्या चेंजिंग करना है आपको वही समझना है और बाकी सब सिंपल है. ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, तो अभी हम लेते हैं could be, could have और could have been. ठीक है, वो डॉक्टर बन सका, ही कुड बी अ डॉक्टर. ठीक है फ्रेंड, वो डॉक्टर बन सकता था, ही could have been doctor. ठीक है फ्रेंड, अभी could be और could have been का इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेज में करते हैं, इसके लिए भी मैंने एक अलग से क्लास बनाया हुआ है, शायद आपने देखा होगा. नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट करना और देख लेना. ठीक है फ्रेंड, तो ये could be हो गया और could have been हो गया. ठीक है, अब इसके बाद आता है शुड मस्ट, शुड मस्ट या आउट टू. ये मस्ट और आउट टू दोनों एक ही सेंटेंस के लिए इस्तेमाल होता है. तो वह उसे स्कूल जाना चाहिए, ही शुड go to school. negative, उसे स्कूल नहीं जाना चाहिए, तो he should not go to school. interrogative, तो should he
go to school? Question word, उसे school कब जाना चाहिए? तो when should he go to school? ठीक है friend, ये हो गया हमारा should. अगर हम यहाँ पर must का इस्तेमाल करेंगे तो must का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, जब ये हिंदी में चेंजिंग आएगा कि उसके उसे स्कूल ज़रूर जाना चाहिए, उसे स्कूल ज़रूर जाना चाहिए. तब यहाँ पर हम कुछ और ज़्यादा चेंजिंग नहीं करना है, सिर्फ ये करना है कि शूट हटा कर मस्ट लगा देना है. शूट हटा दिया, यहाँ से शूट हट गया. तो शूट हटा कर यहाँ पर हम मस्ट लगा देंगे. ठीक है फ्रेंड, आप मस्ट लगा सकते हो या आउट टू, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हो. सब में मस्ट लगा दो, बस मस्ट मस्ट मस्ट. ठीक है फ्रेंड, मतलब उसे स्कूल ज़रूर जाना चाहिए, उसे स्कूल जाना ही नहीं चाहिए या ज़रूर नहीं जाना चाहिए. क्या स्कूल, क्या उसे स्कूल जाना ही चाहिए, इस तरह से सेंटेंस आएगा तो उसको हम इस तरह से बनाएंगे. मस्ट लगा सकते हैं या यहाँ पर आउट टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है फ्रेंड, अभी हम लेट वाला टॉपिक लेंगे. लेट लेट लेट, उसे जाने दो, तो लेट हिम गो, उसे मत जाने दो. तो इसका क्या हो जाएगा, डोंट लेट हिम गो. क्या मैं उसे जाने दूं? क्या मैं उसे जाने दूं? तो डू आई लेट हिम गो. ठीक है फ्रेंड, ए लेट लेट वाला है. फ्रेंड आप ये मत सोचना कि मैं इतना फास्ट बना रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ, कैसे सीखेगा कोई. मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ आप लोगों को, जो मैंने बेसिक में अभी तक पढ़ा दिया है उन्हीं का सब पूरा एक एक करके रिवीजन करा रहा हूँ. सिर्फ रिवीजन है ये, ठीक है, ताकि आपको फिर से याद हो जाए कि बेसिक में क्या क्या था और किस तरह की सेंटेंसेस थी. ठीक है फ्रेंड, तो हम लेट्स का लेंगे. लेट्स लेट्स का मतलब पता ही है, चलो चलते हैं. लेट्स गो, आओ कुछ खेले. तो इसका हो जाएगा लेट्स प्ले समथिंग. ठीक है, चलो बाजार चलते हैं. तो लेट्स गो टू मार्केट. ठीक है फ्रेंड, अभी हम डिग्री लेंगे. डिग्री डिग्री फ्रेंड्स, मेरी यही कोशिश है कि आप एक ही वीडियो में पूरा का पूरा बेसिक जो है रिवाइज कर लो, पूरी भी बेसिक आपकी रिवीजन हो जाए. इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और बना रहा हूँ. ठीक है फ्रेंड, तो आप बस एक एक करके देखते जाना, नज़र डालते जाना कि क्या क्या था बेसिक में. वह उतना ही लंबा है जितना राम, तो ही इज एज टॉल एज राम. ये हो गया पॉजिटिव डिग्री. अभी कंपैरेटिव डिग्री, वह राम से लंबा है, तो ही इज टॉलर देन राम. अभी सुपरलेटिव डिग्री, वह
सबसे लंबा है. ही इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल. ठीक है फ्रेंड, यू गेट डिग्री. ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा डिग्री का क्लास जो एक ही वीडियो में आपने देखा. भले ही वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आपको पूरा का पूरा बेसिक एक ही वीडियो में पता चल गया होगा कि सारे बेसिक में कौन कौन से सेंटेंसेस हैं. और आपको अगर आपने पूरा वीडियो हमारा अटेंड किया होगा, पूरा क्लास अटेंड किया होगा, पूरा वीडियो देखा होगा, तो आपको ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी. बस एक बार सेंटेंस सामने आता है और पता चल जाता है, याद आ जाता है कि हाँ ये इस टॉपिक का है, ये इसका फॉर्मूला ये है, इसका पहचान का नियम ये है, इसका बनाने का नियम ये है. ठीक है फ्रेंड, तो आप उम्मीद करता हूँ कि सारा का सारा बेसिक आपको अब समझ में आ गया होगा. और पूरा बेसिक एक ही वीडियो में डालना कोई आसान नहीं होता है, बट मैंने पूरा चीज़ आपको एक एक करके बता दिया है और उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड भी बताया मैंने आपको साथ में. और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आपको रिविज़न हो गया होगा और आपको फिर से याद हो गया होगा और आप इसके बाद इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स. और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसके बाद हम एडवांस कोर्स शुरू करने वाले हैं और एडवांस कोर्स में हम टेंस से शुरू करेंगे और टेंस हम एक एक करके आपको विस्तार से टेंस में टेंस के बारे में बताएंगे. सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरा का पूरा टेंस खत्म कर दिया, नहीं, मैं एक एक टेंस, 12 टेंस होते हैं और एक एक टेंस को लेकर मैं उस पर दो तीन 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 चार चार वीडियो बनाऊँगा और पूरे विस्तार से बताऊँगा, ताकि आप बाद में कभी भी आप बोलते वक्त आपको आपके दिमाग में जो भी सेंटेंस आए ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि यार ये कौन सा टेंस का है और ये कैसे बनेगा. पूरा एक ही टेंस में काफ़ी तरह के सेंटेंसेज आते हैं और उसको हम विस्तार से उस पर चर्चा करते हुए चलेंगे. ठीक है फ्रेंड्स. और आप पूरा वीडियो अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि मैं हर वीडियो में लास्ट में एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जिसका सही जवाब देने पर एक महीने में पूरा गिना जाएगा कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी जवाब दे रहे हैं सब में से सबसे ज़्यादा सही जवाब जिसका आएगा और सबसे ज़्यादा जो हमारा वीडियो शेयर किए रहेंगे उनको मिलेगा पुरस्कार. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट.